शुरू करें जी। ओके, कोविड की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो भोपाल में उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पहले लॉकडाउन केवल संडे के लिए रहता था, वो अब सैटरडे और संडे दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए फ्राइडे की शाम 6 बजे से लागू होगा और मंडे की सुबह 6 बजे तक लागू होगा। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि करंट परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह संचालित हैं उन सभी को आगामी 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। उसके बाद स्थिति का जायज़ा लेते हुए इसमें आगामी निर्णय लिया जा सके। इसके साथ ही जैसा कि पूर्व में भी बात आ रही थी कि अब हम लोग बड़े कंटेनमेंट एरियाज बनाने पर विचार कर रहे थे, तो हम लोगों ने अपने जो फिगर्स हैं, अपना जो डेटा है, उसको एनालाइज किया और हम लोगों ने ये पाया कि कोलार के कुछ 6 या 7 वार्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि शहर की आबादी तो लगभग 7 से 8% है, लेकिन उन वार्ड्स में जो केसेस का प्रतिशत है, पिछले 4000 पॉजिटिव केसेस को यदि हम देखें तो उसमें से लगभग 40 से 45% केसेस इन्हीं वार्ड्स में से आ रहे हैं। तो इन सभी वार्ड्स को सम्मिलित करते हुए कोलार एरिया, बावड़िया कला, इन सबको सम्मिलित करते हुए एक बड़ा कंटेनमेंट एरिया प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। ये कंटेनमेंट एरिया फ्राइडे शाम 6 बजे से लागू होगा और सैटरडे संडे तो लॉकडाउन है ही और अगला सैटरडे संडे भी लॉकडाउन है, लेकिन इसके बीच के जो 5 दिवस हैं मंडे टू फ्राइडे, उस दौरान भी ये जो पूरा एरिया है ये लॉकडाउन में रहेगा, कंटेन रहेगा। इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो कंटेनमेंट एरिया है इसमें वार्ड क्रमांक 80, 81, 82, 83, 84 और वार्ड क्रमांक 52 और 53 के कुछ आंशिक क्षेत्र आते हैं। आपको और बेटर आइडिया हो इसके लिए, जो कॉलोनीज इसमें सम्मिलित हो रही हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के लिए इसमें दामखेड़ा ए एवं बी सेक्टर, अंबेडकर नगर, बंजारी, कानाकुंज, विनीत कुंज, सीआई हाइट्स, कानाकुंज, गेहूंखेड़ा, मंदाकिनी, दानिश कुंज, बंजारी सी सेक्टर, महावली, सर्वधर्म, यशोदा परिसर, विराशा हाइट, कोलार मुख्य मार्ग आदि सम्मिलित हैं। साथ ही सनखेड़ी, गणेश नगर, अकबरपुर, राजवैद कॉलोनी, 610 क्वार्टर्स, रोहित नगर, आकृति इको सिटी, अधिष्ठान, रुद्राक्ष पार्क, त्रिलंगा गुलमोहर आदि सम्मिलित रही। इसमें जो कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है उसमें जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, उस सब के लिए आवागमन अलाउड रहेगा। इंडस्ट्रियल लेबर के लिए आवागमन अलाउड रहेगा। इसके साथ ही हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो महत्वपूर्ण आपूर्ति की चीज़ें हैं, उदाहरण के लिए सब्जियां, दूध इत्यादि, उन सब की आपूर्ति हो सके, ये नगर निगम के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जो मिल्क पार्लर्स हैं उनको मॉर्निंग में कुछ समय खुलने की अनुमति दी जाएगी जिससे कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली इस पूरे क्षेत्र में हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मरीजों के लिए